हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ राजमा बनाना। जी हाँ, राजमा रेसिपी, वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल की, लिपटवा लिपटवा ग्रेवी के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है राजमा लिए थे, एक बड़ा कप लिया था। उसको रात भर मैंने भिगो के रख दिया था। लगभग 6 से 7 घंटे आपको राजमा को भिगोना है, अच्छे पानी से वॉश करके उसके बाद भिगोइएगा। और यहाँ पे मैंने सुबह जो है इसको कुकर में जो है राजमा डाल लिए हैं, और साथ ही जितना कप मैंने पानी लिया था उसे डबल मैंने वो पानी इसमें ऐड किया है। और साथ ही यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। और अब इसको हमने गैस पे चढ़ा दिया है। लगभग 6 से 7 सीटी आने तक हमें इसको कुक करना है। तो देखिए, हमारे राजमा जो है कुक हो चुके हैं। और अच्छे से इसको एक बार करछी से ना मैश कर लीजिएगा, जिससे कि जो आपका पानी और राजमा अलग ना हो, उसके साथ मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं और 2 बड़े टमाटर लिए हैं। साथ ही मैं यहाँ पे 6 से 7 हरी मिर्च ले रही हूँ। और इसको फाइन सा पेस्ट बनाने के लिए मैंने इनको मिक्सी के जार में डाल लिया है। जी हाँ, टमाटर और प्याज को एक साथ ही मैं मिक्सी के जार में पीस रही हूँ और एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी, जिससे हमारी ग्रेवी तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, ग्रेवी के लिए हमारा जो फाइन सा पेस्ट है वो बनकर तैयार है टमाटर प्याज का। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ, सरसों का तेल में मैं इसको बना रही हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप खाते हो। और सरसों के तेल में महक ना आए, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, जिससे कि सरसों की तेल की महक ना आए। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। जीरा जब तक सुनहरा ना हो जाए, तब तक इसको मैंने जीरे को इसमें रखना है। और अब मैं इसमें डाल दी जो मैंने पेस्ट बनाया है, वो पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। देखिए, इस तरह मैंने टमाटर प्याज और मिर्च का जो पेस्ट है वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो हमें इसे टमाटर प्याज के पेस्ट को अच्छे से कुक करना है, जब तक कि ऑयल ना छोड़ने लगे हमारा ये पेस्ट। देखिए, अब ये ऑयल छोड़ने लगा है, तो इसमें मसाला ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 2 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, और अब मैं इसमें डाल दूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर। तो अब इसमें मैंने 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर भी ऐड किया है। और अच्छे से मसालों को हम इसको मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसको कुक करेंगे। देखिए, मेरे मसाले भी जो अच्छे से भुन गए हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल रही हूँ राजमा मसाला। आपको 2 बड़े चम्मच राजमा मसाला इसमें ऐड करना है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है राजमा मसाले से। और अच्छे से इसको भी हम ग्रेवी में मिक्स कर देंगे, अच्छे से ग्रेवी बना लेंगे, अच्छे से इसको भून लेंगे हम। अब फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, जो हमारा जार था जिसमें हमने टमाटर प्याज का वो करा था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें जो हमारी ग्रेवी है उसमें डाल देंगे हम इसको पानी को। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा और पकाएंगे इसको हम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो सभी मसाले हैं वो अच्छे से भुन गए हैं, ऑयल जो है वो ग्रेवी छोड़ने लगा है। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे उबले हुए राजमा हैं जो हमने रखे हुए थे, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको फिर अच्छे से हम पकाएंगे। अच्छे से इसको एक बार मिक्स करके ग्रेवी के साथ इसको और कुक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको राजमा थोड़े गाढ़े लग रहे हैं, जैसे गाढ़े हैं, तो अब इसमें मैं और पानी डाल रही हूँ। ये पानी थोड़ा राजमा उबालते टाइम ही था, तो मैंने निकाल लिया था अलग कटोरी में, वो मैंने इसमें डाल दिया। आपको और भी अगर पानी ऐड करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कि कितनी ग्रेवी आपको रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। और इसको थोड़ा और कुक करेंगे, उबाल आने तक इसको और पकाएंगे हम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारे जो राजमा है वो बनकर तैयार हो चुके हैं, अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने बारीक काट के हरा धनिया इसमें डाल दिया है, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है धनिए का। और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए, तो हमारा जो राजमा है वो बनकर तैयार है। और देखिए, आप देख के ही पता लगा लेंगे कि हमारे राजमा जो है कितने टेस्टी बने होंगे। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी राजमा बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने राजमा बनाए तो आपके राजमा कैसे बने टेस्ट में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।